और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता इसी महीने बोली थी, तो इसीलिए भगवद गीता का कुछ गुणगान हम लोग कर सकते हैं। तो वैसे तो भगवद गीता का गुणगान जो है कई और शास्त्रों में भी हुआ है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी हुआ है इसका गुणगान, जहाँ पर गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं कि नानक जो है उन परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है जो कि गोपियों के घर से माखन चुराते थे, जिनके सर पे मोर मुकुट है, और जिन्होंने कि सबसे महानतम श्रीमद भगवद गीता बोली, नानक प्रार्थना करता है कि वो श्याम सुंदर नानक के हृदय में वास करे। तो इस प्रकार के श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब में आते हैं। तो गीता गुणगान जो है कई लोगों ने किया है, और गीता जो है भगवान ने एक बार नहीं बोली, गीता जो है वास्तव में कई बार बोली गई है, कई बार बोली गई है। हमने वैसे एक बार सुनी कि महाभारत का जब युद्ध होना था तो उससे फिर अर्जुन जो है बहुत ही नर्वस हो गए थे, तो फिर भगवान ने गीता बोली। लेकिन गीता जो है और भी कई बार बोली गई, जब भी अर्जुन को युद्ध लड़ना होता है उससे पहले जो है उनका ऐसा हाल हो जाता है और फिर उसका भगवान गीता सुनाते हैं। जैसे एक जैमिनी महाभारत के अंदर एक कथा आती है, इसमें एक बहुत ही महान योद्धा थे, उनका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास और अर्जुन का जब आपस में युद्ध होने लगा तो अर्जुन ने कहा सूर्यास्त से पहले पहले तो वो ख़त्म कर दूंगा मैं। चंद्रहास ने कहा चल बेटा देखते हैं अभी, तो लड़ना शुरू किया। तो चंद्रहास ने अर्जुन के सारे तीर काट कर दिए। फाइनली चंद्रहास ने पाशुपत अस्त्र निकाला तो चंद्रहास ने वो भी काट दिया। अच्छा बड़ा दमदार आदमी है ये, तो चंद्र पशुपत अस्त्र काट दिया उसने। उसका ब्रह्मास्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र भी काट दिया उसने। अरे ब्रह्मास्त्र काट दिया चंद्रहास ने, क्या बात है। फाइनली निकाला नारायण अस्त्र, कहता अब नारायण अस्त्र के आगे तो कोई टिका नहीं। नारायण अस्त्र जब चलाया अर्जुन ने, चंद्रहास ने वो भी काट दिया, और चंद्रहास की भक्ति इतनी तगड़ी थी नारायण अस्त्र भी काट दिया। अब पसीने छूट गए अर्जुन के, अब जो है पसीने से तरबतर। तो भगवान ने कह ले सूर्य वो टाइम है, अब यहाँ तो तू अग्नि में प्रवेश कर ले या ऐसे हाथों मर ले, क्या करना है। कहता प्रभु गीता सुना दो। उसके बाद जो है उन्होंने गीता सुनाने शुरू की, तो चंद्रहास से भी बगल में अपना धनुष रख दे कि चलो गीता सुना रहे, हम भी गीता सुनते हैं, क्योंकि चंद्रहास भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। दो वैष्णव जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो ये है वहाँ पर हाल। तो चंद्रहास भी वो भी गीता सुन रहे हैं। उसके बाद अर्जुन ने कहा लेकिन मैं चंद्रहास को तो बोल दिया मैं सूर्यास्त से पहले पहले मार दूंगा। भगवान ने कहा इस बार तू अस्त्र चला, इस बार तेरे जो तीर है उस पर मैं बैठूंगा। तो जब अर्जुन ने इस बार जब तीर चलाया तो वो था जनार्दन अस्त्र। तो जनार्दन अस्त्र में खुद जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जो अस्त्र है उसके आगे बैठ गए, और चंद्रहास की भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जनार्दन अस्त्र भी काट दिया उसने। तो जनार्दन अस्त्र जब कटा बीच से तो उसका निचला हिस्सा जो था वो तो नीचे चला गया, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा था वो चंद्रहास की ओर बढ़ गया। तो जो निचला हिस्सा था जो कटा, जो चंद्रहास ने काटा था, वो चंद्रहास के चरणों की ओर गया, और जो ऊपर का हिस्सा था वो चंद्रहास के गले की ओर गया। और चंद्रहास का जो गला कटा तो चंद्रहास का गला जो है अब रोर हो रहा है, उसमें से नाम निकल रहा है ओ श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे मुरारी, इस प्रकार से कृष्ण का नाम ले रहा है वो, और कृष्ण का नाम लिए जा रहा है। ये देख करके अर्जुन ने कहा अरे प्रभु आपके भक्त तो बहुत अद्भुत हैं, मानना पड़ेगा। क्योंकि भगवान अक्सर ये करते हैं, एक भक्त का घमंड काटना हो तो दूसरे भक्त को लेकर जाते, कहते हैं इसकी खूब अभी घमंड के इसके अंदर फोड़े निकल आए, फोड़ दे इसको। तो इस प्रकार से अर्जुन को जो गर्व था, वैसे भक्तों में कोई गर्व नहीं होता लेकिन लीला में ऐसा होता है, तो उसको चंद्रहास के माध्यम से अर्जुन को दिखाया देख ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जिसका गला कटने के बाद भी सर रोल हो रहा है, तो रोल होते हुए दिखा बोल रहा है हे गोविंद, हे मुरारी, हे श्याम सुंदर, हे जनार्दन, हे गोपीजन वल्लभ, इस प्रकार से नाम ले जा रहे हैं, देन ही स्टैंडिंग कृष्णा सेम। लेकिन उस वक्त भी जो है अर्जुन ने भगवान से गीता सुनी थी। तो जो श्रीमद भगवद गीता है ये वैसे तो महाभारत का हिस्सा है, लेकिन सारी महाभारत इसलिए हुई थी ताकि भगवद गीता बोली जा सके। जैसे आपने सोने की अंगूठी देखी होगी, सोने की अंगूठी में 99% होता है सोना, 1% होता है हीरा। तो उसको क्या बोलते हैं, सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी? हीरे की अंगूठी। लेकिन हीरा तो 1% है, 99% तो सोना है उसके अंदर, लेकिन हीरे की अंगूठी काउंट होती है हीरे की वजह से, जबकि हीरा उससे माइनॉरिटी में। उसी प्रकार से 100,000 श्लोक हैं महाभारत के अंदर, उसमें 700 श्लोक हैं भीष्म पर्व के अंदर आने वाले, सिर्फ 700 श्लोक। लेकिन भगवद गीता ही वास्तव में महाभारत की जान है, क्योंकि महाभारत में और भी कई सारे किस्से आते हैं, उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स वाले किस्से भी हैं, उसके अंदर थोड़े से रोमांस वाले किस्से भी हैं, उसके अंदर एक्शन भी है, उसके अंदर डिप्लोमेसी भी है, उसके अंदर छल भी है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन सारा निष्कर्ष पहुँचता है श्रीमद भगवद गीता के ऊपर। तो भगवद गीता का वैसे मतलब क्या है, भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ये, तो भगवद
गीता। तो भगवद गीता का जो महात्म्य है, तो शंकराचार्य जी ने भी इस पे महात्म्य लिखा है, साथ ही पद्म पुराण के अंदर भी एक महात्म्य आता है। तो यानी जो पद्म पुराण में जो महात्म्य है वो शिव जी ने बताया है पार्वती जी को, शिव जी आए एज शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने अलग से महात्म्य लिखा है। तो दोनों समय में देख रहे हैं कि शिव जी जो है भगवदगीता का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो कुछ जो श्लोक हैं वो भगवदगीता के इस प्रकार से बताए गए हैं, यत्र गीता वितारश्च विचारश्च पठनम पठनम तथा, जहाँ जहाँ पर भगवदगीता का पाठ होता है, मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधाया सह, जिस जगह पर भगवदगीता का पाठ होता है, भगवदगीता की महिमा का गान होता है, वहाँ पर राधा और कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। यानी कि इस स्थान पर अभी इस समय राधा कृष्ण हैं, हैं, क्योंकि यहाँ गीता महात्म्य बताया जा रहा है कि वहाँ पर राधा जी के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण निवास करते हैं जहाँ भगवदगीता का पाठ होता है। गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ, जो गीता है मेरा हृदय है, जो श्रीमद भगवदगीता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय है ये। गीता में सारम उत्तमम, जो सारे शास्त्रों का सार है, सार में जो उत्तम सार है वो है श्रीमद भगवदगीता। गीता में ज्ञानम अति उग्रम, यानी कि बहुत ही तीव्र, बहुत ही उग्र है ये ज्ञान, मतलब हलचल लेकर के आ जाएगा। कोई भगवदगीता पढ़ता है तो बहुत हलचल आएगी उसके जीवन में। एक भक्त पहुंचा श्री प्रभुपाद जी के पास, उसने बोला, श्री प्रभुपाद भगवदगीता पढ़ने के बाद ना मेरा ना सर घूम गया। प्रभुपाद जी ने कहा, यानी तुमने भगवदगीता वाकई पढ़ी? जो पढ़े कुछ हुआ ही नहीं उसको, कहते पढ़ा हमने कुछ हुआ ही नहीं। कहता तुमने पढ़ी क्या भागड़ू फिर, अगर पढ़े तो कुछ हो जाए आपके साथ, करिए क्या हो गया मेरी जिंदगी में भैया, आप तो पूरा उलट फेर हो गए जिंदगी के अंदर। यानी कि आपने भगवदगीता वाकई पढ़ी, क्योंकि गीता जो है क्रांति लेकर के आती है। तो गीता में ज्ञानम अति उग्रमम, गीता में ज्ञानम अव्ययम, एक ऐसा ज्ञान है जो कि कभी भी अव्यय नहीं हो, व्यय नहीं होता इसका। जो चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, चारों युगों में से भगवदगीता हमेशा एप्लीकेबल थी और हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, अव्ययम है। गीता में च उत्तमम स्थानम, गीता का जो है सबसे ऊंचा स्थान है वास्तव में। गीता में परमम पदम, सबसे ऊंचा जो पद है वो भी भगवदगीता का ही है। गीता में परमम गुह्यम, सबसे ज्यादा जो गुह्यतम है, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, श्रीमद भगवदगीता। गीता में परमो गुरु, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सबसे ऊंचा गुरु कौन है, श्रीमद भगवदगीता। गीता से अहम तिष्ठामि, मैं खुद गीता में वास करता हूँ। गीता में परमम गृहम, मैं खुद इसको ग्रहण करता हूँ। गीता जो है मेरी भी गुरु है, मैं इसको अपना गुरु मानता हूँ, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। गीता ज्ञानम समस्तस्य त्रिलोकम पालयामि अहम, सारे जगत का पालन करता हूँ मैं भगवदगीता के दिव्य ज्ञान से। ये कौन बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं। गीता में परमम विद्या, सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है भगवदगीता। ब्रह्म रूपान संशय, और साक्षात पर ब्रह्म का रूप है ये श्रीमद भगवदगीता। अर्धमात्र हृदय नित्यम अनिवचनीय पदात्मिका, अगर कोई इसका 1/4 भगवदगीता के हर रोज श्लोक का पाठ करता है तो उसको सूर्यदेव के लोक विवस्वान के पास वास मिलेगा, और अगर कोई रोज आधे श्लोक का पाठ करता है तो उसको शिवजी के लोक में वास मिलेगा, और अगर कोई पूरे श्लोक का, अगर हर रोज एक श्लोक का, एक चैप्टर का अगर, सॉरी, अगर करता है अगर रिसाइटेशन, तो उसको भगवान का जो विष्णु है उनका लोक वहाँ वास मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक चौथाई या सॉरी आधे श्लोक का अगर पाठ करता है तो विवस्वान जी के यहाँ जाएगा, तो विवस्वान जी खुद उसको सारी गीता सुनाएंगे। कहते हैं मैंने भी सुनी थी बहुत समय पहले, तो विवस्वान जी खुद उसको पूरी गीता सुनाएंगे। और अगर वो एक श्लोक का पाठ करता है तो शिवजी के लोग जाएगा, तो वहाँ शिवजी उसको पूरी गीता सुनाएंगे। और अगर वो एक पूरे चैप्टर का पाठ करता है तो भगवान विष्णु के लोक में जाएगा, जहाँ भगवान विष्णु खुद उसको पूरी भगवदगीता सुनाएंगे। तो ऐसा नहीं आधी आधी अधूरी सुनकर के कोई धाम पहुँच के फिर हम मजा करेंगे ना, कहते गीता तुझे पूरी सुननी पड़ेगी। तो भगवदगीता जो है इट्स एक्चुअली अ जीनियस। तो मैंने क्या किया, भगवदगीता की जो महिमा है इसको जीनियस के एक्रोनिम में डाला है। तो जीनियस की स्पेलिंग होती है GENIUS, जीनियस। तो जी से भगवदगीता का, जी से जी फॉर ग्लोरियस कॉन्टेंट, क्या है ग्लोरियस कॉन्टेंट, इसका मतलब कि इसका, इसके अंदर जो दिया हुआ है ना वो बहुत ही महान है जो भगवदगीता है। इनफैक्ट जितने भी आज मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे आपने किसमें, आपने किस किसने स्टीफन कवि का नाम सुना है, स्टीफन कवि, ओके, बहुत लोगों ने सुना, बाहर की किताब नहीं पढ़ी आपने, बहुत सी बात है। लेकिन स्टीफन कवि जो है ये बहुत ही महान दार्शनिक हैं, और इनकी बहुत ही लाखों बिकने वाली जो किताब है उसका नाम है 7 Habits of Highly Effective People। जितने भी मैनेजर्स हैं दुनिया में सब पढ़ते हैं, जितने भी लीडर हैं सब पढ़ते हैं किताब।
क्योंकि आप लोग सीधे साधे संत लोग हो, आप लोग ही पढ़ते हैं सब बातें, लेकिन बाहर जो दुनिया में जितने लीडर हैं, मैनेजर हैं, वो सब ये किताब पढ़ते हैं, 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और स्टीफन कवी नाम के इस व्यक्ति ने लिखा कि मैंने वास्तव में इस अपनी किताब के लिए जो सूत्र हैं मैंने कहाँ से लिए, श्रीमद् भगवद गीता से। अब इस किसके से विवेक बिंद्रा का नाम सुना है, वेणु माधव प्रभु। यस, वेणु माधव प्रभु जो है खुले बोलते हैं, कहते हैं मैं तो चोर हूँ, अरे मैं तो चुराता हूँ, अरे ये जो भगवद गीता है मैं तो इसे चुराता हूँ, ये जो है खजाना है, मैंने इससे सारे सूत्र लेकर चलाता हूँ। और आप कहते हैं अरे विवेक बिंद्रा जो है बड़ा महान है, अरे मैं तो चोरी करता हूँ। पर वेणु माधव प्रभु जो है वो जितनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं वो बेस करते हैं तो भगवद गीता के आधार पर करते हैं। और साथ ही दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। अब ये 7वें नंबर पे सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब है। अच्छा, हाँ जी, 7वां नंबर ही बहुत बड़ा नंबर है वैसे, हालांकि 3रा नंबर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो बुक है वो है बाइबल। 2nd नंबर पर जो पढ़ी जाने वाली किताब है वो है कुरान। 3rd नंबर पर आइडियली होनी चाहिए थी भगवद गीता, पर क्योंकि हिंदू लोग जो है थोड़े लल्लू लाल हैं आजकल, इसीलिए गीता ये लोग पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए गीता जो है दुनिया में 7वीं सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब है। और श्री प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है दुनिया में हर 31 सेकंड में एक भगवद गीता बांटते हैं, मतलब हर 31 सेकंड के अंदर, और हर 7 सेकंड में प्रभुपाद जी की एक बुक निकलती है। अगर छोटी किताबें इंक्लूड करें तो हर 7 सेकंड में प्रभुपाद जी की एक बुक कोई ना कोई भक्त कहीं ना कहीं निकालता है, किसी को देता है, और हर 31 सेकंड में एक भगवद गीता जाती। इस तरह से जो श्री प्रभुपाद जी की पर्टिकुलरली भगवद गीता है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवद गीता है वास्तव में। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी जिसको गीता देते हैं, जब उसमें 90% जो है वो प्रभुपाद जी की भगवद गीता देते हैं, क्योंकि ज्यादातर भाषाओं में प्रभुपाद जी की भगवद गीता ही है। तो इसीलिए जैसे उन्होंने बोला कि इससे बेहतर गिफ्ट मेरे पास नहीं है दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से देने के लिए। तो सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। वैसे जैसे नया साल भी आ रहा है, नए साल में अगर आप किसी को मिठाई देते हैं, मिठाई की उम्र कितनी है, 1 रात, अगले दिन फ्लश में जाती है मिठाई, पॉट के अंदर जाती है, जो मल बन जाती है वो। हमारा शरीर है इतना महान, हमारे संपर्क में जो भी आता है मल ही बनता है उसका बेचारे का, चाहे समोसा हो भटूरा हो, उसका मल ही बनाएगा शरीर, क्या करें। अगर डायरी देते हैं उसकी उम्र है 1 साल, लेकिन भगवद गीता जो कैसा उपहार है, जो कि जीवन भर का उपहार है वास्तव में। सो इट इज सच अ ग्लोरियस कॉन्टेंट, इतना महान है इसका कंटेंट, इसका जो अंदर का जो सार है इतना रिच है कि 45 मिनट के अंदर अंदर भगवद गीता जो कि दी गई अर्जुन को, 45 मिनट के अंदर उनका सारा तनाव दूर हो गया। अर्जुन को बहुत तनाव हो रखा था ना, तनाव होता है लोग क्या सुनते हैं, गाना सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड। तो उसी तरह से जब अर्जुन को भी स्ट्रेस हुआ तो भगवान ने कहा कौन सा गाना सुनेगा बता, बॉलीवुड सुनाओ, हॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा जी हमें तो कृष्णा वुड सुनना है। तो भगवान ने जो गीत गाया उसको बोलते हैं भगवत गीता, भगवान ने गीत गाया और बड़ा इंटरेक्टिव गीत है, उसमें प्रश्न सवाल जवाब भी हो रहे हैं, बीच में अर्जुन सवाल ही पूछते हैं, फिर भगवान उसको गा करके बताते हैं। तो दैट इज भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ये श्रीमद् भगवद गीता। और जितनी ज़्यादा कॉमेंट्रीज, जितनी ज़्यादा टीकाएँ इस किताब के ऊपर लिखी गई हैं उतनी कभी किसी किताब के ऊपर नहीं लिखी गई आफ्टर श्रीमद् भागवतम। भागवतम के ऊपर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, 31 टीकाएं लिखी गई हैं। तो भागवतम के बाद अगर कोई किताब है जिसके ऊपर सबसे अधिक टिप्पणियां हुई हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो चाहे द्वैत की दृष्टि से हो चाहे अद्वैत की दृष्टि से हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमेंट्रीज लिखी गई हैं वो भगवद गीता के ऊपर लिखी गई हैं। इस कॉल में आने से पहले मैंने 8 तरह की भगवद गीता पढ़ी थी, मिस्टर पैट्रिक की, मिस्टर डेविड की, और महात्मा गांधी की, डॉक्टर राधाकृष्णन की, रामानुजाचार्य जी की, शंकराचार्य जी की, मैंने कई सारी भगवद गीता इस कॉल में आने से पहले भी पढ़ी थी, लेकिन विशेष रूप से जो श्री प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, अरे माय गॉड, रेवोल्यूशनरी। तो इसीलिए वैसे तो भगवद गीता के ऊपर कई टीकाएं हैं, लेकिन जो गीता में आपको वाकई में जो टिकाएगी वो है प्रभुपाद जी की भगवद गीता की टीका। टीका का मतलब ये जो आपको टिकाए। तो ये श्रीमद् भगवद गीता जो कि एक मुहूर्त के अंदर बोल दी गई थी, एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट्स के अंदर, 48 मिनट के अंदर अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोल दी थी। हालांकि हम जब रिसाइट करते हैं अभी तो हमको पूरा लगता है उसमें 4 घंटा 6 घंटा, लेकिन भगवान ने जो बोली है तो सर 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 तका तक बोली है। अर्जुन जवाब प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण जवाब दे रहे हैं, 48 मिनट्स के अंदर अंदर भगवद गीता हो गई थी। नहीं तो क्या ना, बहुत लंबी बात भी नहीं कर सकते वहाँ पर, नहीं तो लोग योद्धा कहेंगे लोग युद्ध करने आए थे तो गप मार रहे हैं तो यहाँ पर।
तो एक मुहूर्त का मौका मिला था, और उस वक्त जिस समय भगवद गीता बोली जा रही, उस वक्त भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो कि भक्त हैं लेकिन कौरव साइड में, वो ये कह रहे थे कि ये कितना सौभाग्यशाली अर्जुन के समय गीता सुन रही है। अगर एक भी हवा की एक लहर आकर के उन शब्दों में से एक शब्द को मुझ तक पहुंचा दे, हम अपने जीवन के सारे पुण्य उस हवा को दे देंगे, जो कि उस वो हवा जो कि उस वक्त बह करके आ रही है जहां से गीता बोली जा रही है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, अगर वो हवा एक हवा की लहर आ जाए और हमें दो शब्द सुना दे उस गीता के, तो हमारे जीवन के जितने पुण्य हैं उस हवा को दे देंगे हम। इतना ज़्यादा उत्सुक थे कि हम भी सुन पाते, काश हम भी सुन पाते। लेकिन भगवद गीता जो है अर्जुन ने सुनी विशेष रूप से, और साथ ही एक और व्यक्ति ने सुनी, संजय ने भी सुनी, धृतराष्ट्र ने भी सुनी, क्योंकि संजय को जो है भगवान ने ये वरदान दिया हुआ था, व्यास जी ने वरदान दिया था ये, कि जो कुछ भी हो रहा है पूरी रणभूमि में वो सब कुछ देख पाएंगे। अदरवाइज संजय अगर एक जगह देख रहे हैं तो यहाँ का तो मिस हो गया ना, अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ का मिस हो गया, अगर यहाँ का देख रहे हैं तो वहाँ का मिस हो गया, ऐसा नहीं है। संजय जो है कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ देख पाएंगे, तो ये उनको वरदान था, तो इससे सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन जब भगवद गीता बोली जा रही है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुना रहे, और सारी गीता जब संजय ने सुनी तो संजय ने बोला प्रभु धृतराष्ट्र हे महाराज, अभी जो प्रभु ने जो गीता बोली है मेरा बहुत ही मेरा रोम रोम जो है हर्षित हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यानी भगवद्गीता पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े होने चाहिए, अगर भगवद्गीता पढ़ने के बाद आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए यानी आप लेटे हुए हो, क्योंकि भगवद्गीता बहुत ही क्रांतिकारी है। तो जी फॉर ग्लोरियस कॉन्टेंट, ठीक है, भगवान ने भगवद्गीता बोली थी फ्री ऑफ कॉस्ट बोली थी। एक भक्त ने पूछा किसने, एक भक्त से किसने बोला आप गीता बांट रहे कितनी की आप देते हैं, 100 रुपए की, तो भगवान ने तो फ्री में दी थी अर्जुन को, आप पैसा ले रहे हो आप लोग। तो भक्त ने बोला देखिए कुरुक्षेत्र में बोली गई थी ना तो वहां तो फ्री है, आप दिल्ली में हो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 100 रुपए। ऐसे व्यक्ति बोला क्या आप गीता की नहीं 100 रुपए दे रहे हैं, आप गीता प्रेस की तो 20 रुपए की आती है, आप लोग 100 रुपए की दे रहे हो, महंगा करते हो आप, पैसा कमा रहे हो आप लोग। तो भक्त ने बोला जी उसकी ट्रांसलेशन 20 रुपए की है, हमारी ट्रांसलेशन 20 रुपए की है, तात्पर्य 80 रुपए का। ग्लोरियस कॉन्टेंट, या सो जी फॉर ग्लोरियस कॉन्टेंट, ई फॉर एसेंस, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद भगवद गीता, ई फॉर एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो जैसे कि बहुत ही फेमस है जो कि कई सारी एनोलॉजीज के थ्रू समझाया जा रहा है कि गीता का किस तरह से एसेंस है ये सारे शास्त्रों का, कि अगर सारे शास्त्रों को गाय से कंपेयर करें तो उसका जो दूध है वो है श्रीमद भगवद गीता, जो दूध पीने वाले हैं वो है अर्जुन, और जो दूध धोने वाले हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सारे शास्त्रों का सार सुना रहे हैं भगवद गीता के रूप में अर्जुन को। लेकिन साथ ही एक और खास बात भी है कि भगवद गीता में ऐसी कई शिक्षाएं हैं जो कि वेदों में भी नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्वधर्मान परित्यज्य जो बड़ा फेमस श्लोक है, भगवान इतना खुले तौर पे किसी जगह पे नहीं बोला कि इकलौती मेरी शरण में आ जाओ मैं तुमको सारे पाप उतार दूंगा, ऐसा भगवान ने खुल्लम खुल्ला कहीं नहीं बोला, खुल्लम खुल्ला सिर्फ एक ही जगह बोला, कहाँ बोला, श्रीमद भगवद गीता के अंदर बोला। और साथ ही एक और जो गीता महात्म्य में एक और एनोलॉजी बड़ी सुंदर आती है कि अगर व्यास देव जी के जो शब्द हैं अगर उनको हम नदी मान के चलें तो व्यास देव की शब्दों की नदी में एक जो कमल खिला है वो है महाभारत, और जो महाभारत नाम का जो कमल है इसकी जो खुशबू है वो क्या होगी, श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता जो है उस महाभारत रूपी कमल की खुशबू है, और इस खुशबू में रमने वाले कई सारे भंवरे भी हैं। ये भंवरे कौन है, ये भंवरे हैं वो भक्त जो कि भगवद गीता में बार बार रमते हैं। हमारे मंदिर में करीब ऐसे 11 भक्त थे जिन्होंने की कार्तिक के महीने पूरी भगवद गीता कंप्लीट की, बहुत दुखी बात है ना। अरे वो कम से 11 से भक्त थे और ये पॉसिबल भी था और उन्होंने किया भी ऐसा। तो इसलिए सारे शास्त्रों में सार है भगवद गीता, ये वास्तव में जिस तरह से महाभारत है उसका भी सार है ये श्रीमद भगवद गीता। साथ ही शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे जयद्रथ इज द रिवर, जैसे कि महाभारत नाम की जो नदी है इस नदी में जो पानी है वो है जयद्रथ, इसमें जो शल्य है वो है शार्क, ठीक है, जो कृपाचार्य है वो है इसका बहुत ही तेज करंट, जो कर्ण है इसकी बहुत ही तेज लहरें हैं,
अश्वत्थामा और विकर्ण जो है इसके अंदर मगरमच्छ है, दुर्योधन जो है इसके अंदर भंवर है इस नदी के अंदर। अगर ऐसी नदी हो जिसमें एलिगेटर भी हो, मगरमच्छ भी हो, भंवर भी हो, शार्क भी हो, तैर के पार कर लेंगे उसको? तो बहुत एक्सपर्ट तैराक हो तो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें श्रीपाद शंकराचार्य बता रहे वहां पर, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं क्योंकि नैया चलाने वाले पांडवों के हैं भगवान श्री कृष्णा। यस, तो इसीलिए जो मनुष्य जीवन है अक्सर उसको कंपेयर किया जाता है नदी से। मनुष्य जीवन क्या है, सॉरी मनुष्य जीवन को नाव से। जो ये नदी है ये है भवसागर, भवसागर वैसे सब तैर रहे हैं लेकिन पार करने का मौका किसको मिलता है, जिसके पास नाव हो, नाव। लेकिन नाव चलानी ना आती हो तो नाव या तो पलट जाएगी या कहीं और पहुंच जाएगी। तो इसीलिए नाव को सही दिशा में चलाने वाले जो होते हैं वो है गुरुदेव। लेकिन जो हवाएं हैं, अगर हवाएं अगर फेवरेबल हों अगर, तो फिर होता क्या है, नाव को चलाना आसान होता है। तो नाव को चलाने वाली जो सहायक हवाएं हैं वो हवाएं हैं श्रीमद् भगवद्गीता के संदेश। भगवद्गीता का संदेश क्या है, वो हवाएं जो कि नाव को पुश करेंगी किस और, कि हम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। गंतव्य स्थान क्या है, राधा कृष्ण के चरण कमल। तो इसीलिए शास्त्रों को समझना कैसे हो पाएगा अगर मनुष्य जीवन प्राप्त हो, साथ में गुरुदेव गाइड करें कि जैसी हवाएं हैं हवाओं के हिसाब से गाइड करें, अब यहाँ पर ऐसे कर दे, यहाँ पर ऐसे कर दे, अब यहाँ चप्पू मार, अब यहाँ चप्पू मार। नहीं तो प्रकृति के तीन गुण जो है सतो रजो तमो, इनकी लहरें हमारी नैया को डुबोएंगी डुबोएंगी, पक्की बात। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवद्गीता है ये सारे शास्त्रों का सार है, सारी नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवद्गीता के अंदर ही है। तो सारे शास्त्र का सार है श्रीमद् भगवद्गीता। सो जी ई अगला लेटर क्या आएगा, एन। सो नो नेगेटिविटी, नो पॉजिटिविटी। पहला वाला नो है एन ओ, दूसरा वाला नो है के एन ओ डब्ल्यू। नो नेगेटिविटी, नो पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिविटी को जानो और नेगेटिविटी को निकालो। तो भगवद्गीता जो है ये वास्तव में सब प्रकार के भ्रम को दूर करने वाली है। आप कितने लोगों ने वॉशिंग पाउडर की ऐड देखी है, वॉशिंग पाउडर की ऐड कैसे होती है, कहते देखिए देखिए ये है सफ़ेद कमीज, आइए इस पे सॉस के दाग लगाते हैं, इसे मिट्टी के दाग लगाते हैं, इस पे तेल के दाग लगाते हैं, देखिए ये हो गई शर्ट गंदी, आइए इसको सर्फ एक्सेल में डालते हैं, चक 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 चक, चमकदार सफेदी, रिन सुप्रीम। ऐसी होती है ना? उसी प्रकार से भगवान ने भी अर्जुन को प्रयोग किया, कहते ये देखिए ये अर्जुन, इसके अंदर मोह हो गया है, इसको कंफ्यूजन हो गई है, इस बेचारे को क्या करें, आइए इसको भगवद्गीता में धो देते हैं, भगवद्गीता में धो दिया 48 मिनट, चमकदार सफेदी, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो बेसिकली वॉशिंग पाउडर की एड कहाँ से इन्होंने सीखी है, भगवद्गीता से सीखी है इन लोगों ने, कि अपने माल को दूषित करके उसी को अपने माल में धो करके अपने प्रोडक्ट का लॉन्च कर देना, कि देखो ये देखो जी चमकदार सफेदी होगी अर्जुन के अंदर। लेकिन ये अर्जुन जो है ये किसका व्यक्ति है, खुद का आदमी इनका, लेकिन उसको मुंह में डाला किसने, इन्होंने खुद ने डाला, और खुद ने डाल करके खुद ने धो भी दिया अपने प्रोडक्ट से, तो रिन सुप्रीम भगवद्गीता। लेकिन रिन सुप्रीम किसके लिए, आप लोगों के लिए। उस प्रकार से भगवद्गीता किसके लिए, आप लोगों के लिए। यस, तो श्रीमद् भगवद्गीता क्या करती है, ये सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करती है, ये हमें निर्भय बनाती है। संसार के अंदर हमें हर व्यक्ति किसने किसी चीज़ को लेके भयभीत है, मेरा भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा। तो नेगेटिविटी को काटने वाली है श्रीमद् भगवद्गीता, और साथ ही हमको ये याद दिलाती है कि हम कौन है। तो भगवद्गीता का जो पहला शुरुआती शुरुआत जो होती है, पहला जो अध्याय वो तो खैर उसमें तो पता लग रहा है कि विषाद ही हो गया, लेकिन सेकंड चैप्टर शुरू होती है भगवद्गीता वास्तव में, जहाँ पर ये क्वेश्चन से शुरू होते हैं। लेकिन भगवद्गीता हमको ये भी बताती है कि हम वास्तव में कौन है। एक बार एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन से अपना सामान निकालते निकालते क्या हुआ, उसका जो अटैची थी उसको सर पे गिरी, धाड़ गिर गई, और जब सर पे गिरी तो वहाँ बैठ ही गया वो, बैठ के उठा तो ना उसकी याददाश्त चली गई बेचारे की। तो उठा तो कहते मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और ये कहते कहते बाहर आया वो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तभी जो है एक भक्त वहाँ गीता बांट रहा था, भगवद्गीता, और गीता बांटते बोल रहा था भगवद्गीता पढ़िए जानिए कि आप कौन है, भगवद्गीता पढ़िए जानिए कि आप कौन है। कहते ना क्या बोला तू, तो भक्त ने बोला मैंने ये बोला कि भगवद्गीता पढ़िए जानिए कि आप कौन है। कहते अच्छा किसको पढ़ के जान जाऊंगी मैं कौन हूँ, कहते ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। भक्त ने भी देखा आत्म साक्षात्कार की इतनी तीव्र इच्छा तो हमने किसी के अंदर नहीं देखी,
भक्त ने उसको वहां बिठा करके 2 घंटा पूरा डाउनलोड दे दिया कि भाई तू है कौन। कहते देख भगवदगीता में लिखा है तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, तू भगवान श्री कृष्ण का सेवक है, इसलिए जो करना क्या जिंदगी में, तेरे को भगवान की सेवा करनी है। कहते अच्छा तो कैसे करते भंगी से? कहते चल मेरे साथ। उसको मंदिर लेकर गया, उसका हमारे यहाँ जैसे हेयर स्टाइल कर दिया उसका, और मंदिर में सेवा में लगा दिया उसको। अब मंदिर में सेवा करता रहा 6 महीने। ये जो 6 महीने सेवा करने के बाद हुआ क्या, एक दिन ये किचन में काम करते करते परात इसके सर पे गिरी था। अब परात जब सर पे गिरी तो इसकी यादाश्त वापिस आ गई, तो इसने अपने आप शीशे में देखा, कहते यार ये क्या हो गया भाई मेरे को, ये कपड़े वपड़े कौन सी जगह है, कहाँ आ गया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो ये मैं कौन हूँ करता करता वो बाहर आया। तो मैं कौन हूँ, तो वही भक्त बाहर था, कहते तेरे को बताया था 2 घंटा बताया तेरे को रेलवे स्टेशन पे, यार तू कौन है, फिर तू बोल रहा है मैं कौन हूँ। कहते एक मिनट भाई साहब, कब क्या हुआ ये? कहते अरे आपको याद नहीं, आप ही निकले थे फला फला ट्रेन से बाहर निकले, आप बोल रहे थे मैं कौन हूँ। मैंने बता दिया आपको कि आप कौन है, कि आप शरीर नहीं, आप तो आत्मा है, आप भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, यही है। कहते क्या बोल रहे तुम ये? कहते वो अटैची मेरे सर पे गिरी थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या वो मेरे साथ। कहता है लो यार हम क्या करें, हमने आपको बता दिया ये। फिर उसने जो है सवाल जवाब किए, भगवदगीता वहाँ सीखी, घर पे संदेशा भिजवाया कि वास्तव में मैं कौन हूँ मुझको पता लग गया है, किसके माध्यम से, श्रीमद् भगवदगीता के माध्यम से। तो भगवदगीता जो है हमको ये बताती है कि हम कौन है। मैं एक बार भगवदगीता बांट रहा था तो ये व्यक्ति मुझे मिला, थोड़ा सा संकी वाला था, वैसे मुसलमान वैसे अच्छे होते हैं लेकिन ये थोड़ा संकी वाला था। कहता आपकी भगवदगीता के अंदर स्त्रियों के अधिकार के लिए क्या दिया है? तो मैंने कहा स्त्रियों के अधिकार के लिए इसमें ये दिया है कि स्त्रियां भी भक्ति कर सकती हैं। करा बकवास बात, ये क्या बात है, स्त्रियां भक्ति कर सकती हैं? स्त्रियों के अधिकार के लिए कुछ हुआ तो बताइए इसके अंदर है क्या कुछ दिया हुआ? मैंने कहा ये दिया, सबसे ऊंची बात तो ये, स्त्रियां भक्ति कर सकती हैं। करा हमारे कुरान के अंदर दिया है कि स्त्रियां जो है उनके क्या क्या अधिकार हैं। तुम्हारी भगवदगीता इज इन्फीरियर, भाई कुरान इज सुपीरियर। चलो बहुत बढ़िया बात है जी। मैंने कहा अच्छा कुरान में ये क्या बताया कि तुम कौन हो, ये तो बता दो जरा। कहते कौन हो मतलब? मैंने कहा तुम बुद्धि हो या मन हो या ये शरीर हो। मैंने आत्मा की ऑप्शन नहीं दी उसको, जो बोलेगा गलत ही बोलेगा वो। मैंने कहा आप मन हो, आप बुद्धि हो या ये शरीर हो। कहते ये शरीर तो है हम लोग, और क्या, शरीर के अंदर मन और बुद्धि होती है और क्या, हम लोग शरीर तो हैं। तो मैंने कहा लेकिन शरीर तो आपको बदल रहा है, जब आप 5 साल के थे तो शरीर कुछ और था, जब 10 साल के हो शरीर कुछ और था, आज इस उम्र में हो शरीर कुछ और है, तो आप बदल गए क्या? फिर आपका नाम बदल गया, फिर पहले आपका नाम कुछ और था, फिर आगे फिर और ऐड हो गया, उम्र बढ़ रही, जैसे कद बढ़ रहा है वैसे आपका नाम बढ़ रहा होगा। कहते ऐसे तो नहीं है। मैं कहता फिर, कहते मैंने कहा फिर क्या दिया उसके अंदर, फिर कुरान के अंदर आपके बारे में क्या, आप कौन है? यार तो मैं कहा ठीक है, स्त्रियों के क्या अधिकार है उसके लिए मैं कुरान पढ़ूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जानना कि हम कौन है, ये कौन बताएगा? भगवदगीता। इसके लिए आपको भगवदगीता पढ़नी चाहिए। और उसने एक कॉपी भगवदगीता की ली। सो दैट वेज जो भगवदगीता है ये वास्तव में नेगेटिविटी को किल करती है। क्यों? पहले ये बताती है कि भाई तू है कौन, ये नेगेटिविटी को काटती है और पॉजिटिविटी को डालती है ये जान, ये हमें बता करके कि तेरे को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, तू भाई तू अजर है, अमर है तू। क्या बात बोल दी तू। एक थोड़ी मेडिटेशन करें, एक थोड़ी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? सब सीधे बैठ जाइए। आग बंद कर दीजिए। मेरे पीछे बोलिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मुझ आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मुझ आत्मा को कोई जला नहीं सकता, मुझ आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता। मेरा ना तो जन्म है, ना मेरा बुढ़ापा है, ना मेरी कोई मृत्यु है, मैं हमेशा यौवन में हूँ। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, सुंदर हूँ। मैं आत्मा जिसका विलय कभी नहीं होता। ऐसा बोल करके आपको स्ट्रांग फील हो रहा है, कमजोर फील हो रहा है? ठीक है, अच्छा दूसरा दूसरा करते हैं, एक बार फिर से करते हैं। आगमन करिए फिर से।
मैं शरीर हूँ, कोई भी मुझे काट सकता है, कोई भी मुझे जला सकता है, कोई भी मेरी बैंड बजा सकता है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मेरे साथ मुझ शरीर को बुढ़ापा भी है, मृत्यु भी है, कष्ट भी है, बीमारियां भी हैं। कैसा लग रहा है आपको? कितना गंदा फील होता है। मैं कट भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। ये भाई, अरे भाई, सो भगवद गीता भय को काटती है ये बता करके कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। क्या मरना कटना। एक माता जी थी, उनको बहुत दुख होता था, लोग उसे मोटी मोटी बताते, ए मोटी कहेंगी, ए कद्दू कहेंगी, ए पंपकिन कहेंगी, बोलते थे उसका। बहुत दुख होता था उसको कि मैं मोटी हूँ, तो बहुत लोग ताने मारते हैं। लेकिन जब से उसने भगवद गीता पढ़ी, उसको पता लगा मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, उसका सारा दुख निकल गया। कहते अरे, तो जब भी वो बोलते ए मोटी, कहते अरे तू तो मुझे देख भी नहीं सकता, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इस शरीर में रहती हूँ, मैं शरीर हुई नहीं, ये गोलमोल शरीर में हुई नहीं। ऐसे हमारे लड़का भी आता था, IVF में आया करता था, काफ़ी काले रंग का था, बोलते हैं काले कलूटे बैंगन लूटे, तो दुख होता था उसको कि तेरे देखो समर को काला कलूटा बैंगन लूटा बोलते हैं। बेचारे ने फेयर एंड हैंडसम की किलो किलो क्रीम लगा ली उसने, कहते शाहरुख खान गोरा हो गया, मैं गोरा नहीं हुआ। पर जब उसको पता लगा मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो उसके अंदर रहने वाली बड़ी सुंदर सी आत्मा हूँ, तो उसका ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, काला कॉम्प्लेक्शन है मेरा, ये दुख निकल गया उसका। तो शरीर की वजह से होने वाले जो भय हैं, आपदाएँ हैं, ये वास्तव में सब निकल जाती है। और नो नेगेटिविटी, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती ये जान करके कि हम वास्तव में हैं कौन, हम तो कृष्ण के हैं। तो एंड उसके बाद आई आता है, आई इस आइडेंटिटी क्राइसिस, उसको जो है एड्रेस करती है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे एक समय एक हिरण का बच्चा था, सॉरी शेर का बच्चा, शेरनी का बच्चा था, तूफान में वो खो गया। तूफान में जब वो खो गया तो हुआ क्या, हिरणियों के बच्चों के साथ मिल लिया वो। अब हिरणियों के बच्चों के साथ मिल लिया वो, तो अभी उसको लगा मैं हिरणी का बच्चा ही हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भाई बहन है, उसको ये लग गया वो, तो ऐसे रहने लगा वो। अब ऐसे रहने लगा तो एक दिन क्या हुआ, शेरनी पीछा कर रही थी हिरणियों का और इसके बच्चों का, इसने दिखा तो मेरा बच्चा है, इसने पकड़ लिया उसको शेरनी ने। तो उसको लगा मैं तो हिरण का बच्चा हूँ, मेरी मम्मी निकल गई, मेरे बच्चे मेरे मेरे भाई बहन निकल गया, ओहो, कहते मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। शेरनी का अबे तू तो मेरा बच्चा है। तो शेरनी का बच्चा जो कि हिरणों के साथ मिल गया था, उसको लग रहा नहीं मैं तो हिरण का बच्चा हूँ, कि पता नहीं मुझे क्यों बोल रही है मैं इसका बच्चा हूँ। तो कहते मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। कहते तेरे को क्यों मारूंगी मैं, तू मेरा बच्चा है, तू मैं आपका बच्चा कैसे हो सकता हूँ। तो उसको पकड़ के लेके गई नदी किनारे, दे देख हमारी शक्ल ही मिलती है, तू मेरा बच्चा है। कहते अच्छा, पता नहीं मेरे को डाउट है। तो ये अब शेरनी गुस्सा आ गया, अब तो वो चिंगाड़ दी उसको, जब ये चिंगाड़ी तो ये भी चिंगाड़ दिया, कहते देख आवाज ही मिलती है हमारी। तो अगर आइडेंटिटी जो है संसार के अंदर हमारी जो खो जाती है, उसको सही करती है श्रीमद् भगवद गीता। एक समझ लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था मैं कनॉट प्लेस में, देखा पालिका बाजार, पालिका बाजार का जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर कुछ लोग जो थे एक व्यक्ति को पत्थर मार रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, पागल पागल पत्थर मार रहे थे। और ये बोल रहा था कालो अस्मि, कृष्ण गीता में बोला है कालो अस्मि, मैं काल हूँ, तुम लोग काल आएगा, तुम आज मेरे पे हंसो, एक दिन काल तुम पे हंसेगा, गीता में भगवान ने बोला कालो अस्मि। तो मैंने कहा अरे ये तो गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, ये पागल तो नहीं होगा। मैंने कहा मंगवा लो इसको, मैंने उनको भगा दिया जो पत्थर मार रहे थे, उसको मजाक उड़ा रहे थे उसका। मैंने कहा यार तुम्हारा ये भाई, तुम कालो अस्मि तुमने बोला, कालो अस्मि तो भगवद गीता में आता है, ये तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। कहता प्रभु जी हरे कृष्णा। मैंने कहा प्रभु जी बोल रहा है ये तो, मतलब अपना पार्टी का आदमी है तो, क्योंकि बाहर के लोग हमको पंडित जी बोलते हैं, जो भक्ति इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए ना वो तो हमको बोलते हैं अरे पंडित जी हैं, लेकिन जो इस्कॉन का डिवोटी वो हमें प्रभु जी बोलते हैं। तो उसने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कहा प्रभु जी बोल रहे हैं, ये तो अपना फैमिली का आदमी है तो। मैंने कहा मैंने प्रभु जी बोला। कहते हाँ प्रभु जी, मैं इस्कॉन में पहले डिवोटी था। मैंने कहा इस्कॉन में डिवोटी था तो तेरा ये हाल कैसे हो गया। कहता प्रभु जी वो मेरी ना वहाँ गलत लड़की से मैंने शादी कर ली, और उसके बाद क्या वो लड़की ने मेरा जो बैंड बजाया उसने मेरा, मैं पागल होकर मैं घर से भाग गया। तो मेरे को लोग पागल समझते हैं, तो लोग मेरे ऊपर ये सब टमाटर वगैरह मारते रहते हैं, पर ये मेरा हाल तब हो गया। लेकिन अभी मेरे को याद है किस प्रकार से मैं भगवद गीता क्लासेस में जाया करता था, और गीता की क्लासेस में जो मैंने सीखा ना मेरे को आज भी वो याद आता है, तो वो मेरे मुँह से कभी कभी निकल जाता है। तो मैं कालो अस्मि मैंने तब इसलिए बोला क्योंकि ना वो गीता का ज्ञान मेरे को भी याद आता है, तो मैं बीच में बोल देता हूँ ये। लेकिन आज भी मेरा सहारा है तो श्रीमद् भगवद गीता है, क्योंकि उन दिनों में जब मैं ठीक था, जब मैं यूथ फॉरम में था, तब मैं नॉर्मल था,
तब मैं गीता सीखा करता था. सो दैट इज आइडेंटिटी को एड्रेस करती है श्रीमद् भगवद गीता. और साथ ही अगला है यू फॉर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. जो श्रीमद् भगवद गीता है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है. सब लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता को. जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के समय में एक ब्राह्मण था, वो गीता को ना उल्टा पढ़ रहा था. अब जो उल्टा पढ़ रहा था चैतन्य महाप्रभु, तो कई जो वहाँ पंडित थे ब्राह्मण थे वो हंस रहे थे, देखो ये गीता पढ़ रहा है, उल्टी गीता पढ़ रहा है ये तो, आया बड़ा. कहता और भाई तो गीता का पाठ हो गया तेरा, सुन लो हंसी मजाक उड़ाते थे उसका. लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जो उसका मजाक उड़ा रहे लेकिन फिर भी गीता पढ़ने में लगा हुआ है, तो महाप्रभु ने देखा. लेकिन जब ये गीता पढ़ता है तो इसकी आंखों में अश्रु होते हैं. तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों होते हैं, तुमको तो गीता पढ़नी नहीं आती, फिर तुम्हारी आंखों में अश्रु कैसे. तो फिर इसने कहा कि वास्तव में जो भगवद्गीता है इसकी जो फ्रंट कवर पे जो तस्वीर बनी हुई है कि परम भगवान श्री कृष्ण जो है रथ चला रहे हैं और अर्जुन जो है पीछे बैठे हुए हैं और भगवान जो है उनको गीता सुनाने वाले हैं. हालांकि परम भगवान हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अपने भक्त के लिए सारथी बने हैं और उसको जरूरत पड़ी तो टीचर बने हैं, फिर से वो सारथी बन गए हैं. तो भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों से प्रेम देख करके ना मेरी आंखों में आंसू हैं. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमने वास्तव में भगवद्गीता का जो भाव है उसको सही पकड़ लिया. ये जितने पंडित हैं यहाँ पर जो कि अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, भले ही हो सकता है ग्रामर की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से ये गीता को ज़्यादा अच्छा जानते हो, लेकिन जो गीता का वास्तव में सार है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी भाव है, वो आपने सही समझा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्त के लिए गुरु भी बन जाते हैं, उसके लिए ड्राइवर भी बन जाते हैं. और ड्राइवर बनना कितना ज़्यादा मतलब विनीत भाव है उसके अंदर, उसके लिए चाहिए. क्योंकि अगर ड्राइवर बनना रथ का मतलब कि अगर रथ को लेफ्ट मोड़ना है तो यहाँ पर लात पड़ेगी, और राइट मोड़ना है तो यहाँ राइट में लात पड़ेगी, लेफ्ट में तो लेफ्ट में लात पड़ेगी, अगर रथ को रोकना है तो बीच में लात. इस तरह से रथ चलता है. रथ चलाने के लिए मुंह से नहीं बोल सकते सुनो भैया अपना रथ को लेफ्ट ले लो, सुनो भैया अपना राइट ले लो, अच्छा रोक तो दो सामने कर्ण आ गया, अरे रोको ना, ये नहीं कर सकते क्योंकि आसपास बहुत शोर होता है. तो इसीलिए जो है बोल करके कम्युनिकेशन नहीं होता, लात मार के होता है. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 18 दिन तक सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से लात खाई है. तो ये जानते हुए कि प्रभु जो है अपने भक्तों के लिए क्या क्या सेवाएं करते हैं, ये सोच सोच के जो है उस ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे कि प्रभु जो है गुरु भी बन गया, गुरु बन के फिर से साथी बन गए, ड्राइवर से गुरु, गुरु से फिर ड्राइवर. अरे तो ये जान करके जो है वहां से मेरी आंखों में आंसू है. तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी भगवद्गीता का लाभ ले सकता है. जिसके वाले वो होता है कि ना गीता पढ़ते हैं जी समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, गीता पढ़ते हैं समझ में नहीं आती. ऐसे पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट की भगवद्गीता. उसने कहा पापा ये क्या गीता दे दी आपने, समझ में तुम्हें को आती नहीं है, मैंने पढ़ने की कोशिश की इसको समझ में नहीं आती मेरे को ये. तो उसके पिताजी ने क्या किया, पास में ना एक टोकरी पड़ी थी, बांस की टोकरी होती है ना, बांस की बहुत सारी जो डालियाँ होती हैं उसको लेकर के क्रॉस क्रॉस करो तो उसकी टोकरी बन जाती है. तो उसमें कोयला पड़ा हुआ था. पिताजी ने कहा बेटा ये ना कोयला यहाँ पलट दे और ना थोड़ा सा पानी भर के ले आ नदी से. तो उसने क्या किया, कोयला वहाँ रख दिया और ये टोकरी लेकर गया बच्चा गया. तो पानी जब लेकर के आ रहा था तो टोकरी में छोटे छोटे छेद भी हैं क्योंकि ये तो बांस की बनी हुई है ना, ये तो उसमें छेद भी हैं. तो जब तक ये लेकर पहुंचता था पानी सारा रिस जाता था. कहता पापा पानी तो लेकर के आया लेकिन ना पानी रिस गया सारा. पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा जा दोबारा जा भर करके ले आ, थोड़ा जल्दी लेकर के आना इस बार. तो फिर से भर करके लेकर के आ रहा था लेकिन थक गया था तो फिर से स्पीड स्लो हो गई तो आते आते क्या हो फिर सारा पानी रिस गया. कहता पापा फिर पानी निकल गया सॉरी. कहता बस आखिरी बार ले आ चल आखिरी बार ले आ. तो फिर से भर करके लेकर गया लेकिन फिर से पानी सारा निकल गया. कहते पिताजी इस टोकरी के अंदर पानी नहीं आ सकता. पिता ने कहा लेकिन एक बात तो ने गौर की टोकरी साफ हो गई, लेकिन टोकरी पहले पूरी काली थी उसमें कोयला पड़ा था लेकिन अब देख टोकरी एकदम साफ हो गई. उसी तरह से हो सकता है कोई भगवद्गीता पड़े और सारी रिस जाए लेकिन टोकरी ना शुद्ध हो जाएगी, टोकरी साफ तो होगी. तो अगर कोई भगवद्गीता पढ़ता है समझ में नहीं भी आती अगर तो भी व्यक्ति की शुद्धि तो होगी. एक समय प्रभुपाद जी जो है हिंदी में लेक्चर दे रहे थे भगवद्गीता के ऊपर. तो जो शिष्य थे उन्होंने कहा अरे यार हमको क्या गीता समझ आएगी अब तो
प्रभुपाद जी तो हिंदी में लेक्चर देने हैं, हम तो विदेशी लोग हैं। तो उठ के जाने लगे वो लोग। तो प्रभुपाद ने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हो बीच में उठ करके? उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद आप तो हिंदी में लेक्चर देने ना, हम तो अंग्रेजी समझने वाले हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अगर हिंदी भी सुनोगे तो भी तुम पवित्र रहोगे, क्योंकि गीता इसका प्रवचन है ना, इसलिए तुम शुद्ध होगे। इसलिए बैठे रहो, इसकी सिर्फ वाइब्रेशन सुनो, अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो भी पवित्र होगे। तो इसलिए जो है भगवद्गीता अगर समझ में ना भी आए तो भी पवित्र करती है, ऐसी है श्रीमद् भगवद्गीता। लेकिन भगवद्गीता जो है उसका अगर कोई गहरा मीनिंग लेकर के चले तो गीता समझ में आती है, नहीं तो गीता देखा जाए अगर है क्या, एक व्यक्ति बोल रहा है तू लड़ ले, दूसरा कह रहा है नहीं लड़ूंगा, कहते नहीं लड़ ले, नहीं लड़ूंगा। फाइनली कहता है ठीक है भाई सापा मुकाओ लड़ो। गीता यही है क्या? अगर सिर्फ यही होती भगवद्गीता कि भाई एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त को बोल रहा है तो लड़ ले यार, तो दोस्ती कसम तो लड़ ले यार लोगों के साथ, तो फिर भगवद्गीता में एक श्लोक होना चाहिए था, शिव भगवान उवाच अर्जुन त्वं क्वाराणां युद्ध करोति, त्वं युद्ध करोति क्वारवानां बैंड बजाओ वस्ती, समझ नहीं आता। एक श्लोक होना चाहिए था भाई तेरे को दोस्ती का वास्ता यार, तू क्वारों की ना बैंड बजा दे तू बस, दैट्स इट। फिर अर्जुन भी बोलते थे अर्जुन उवाच अहम त्वं सखा अस्ति अतः अहम युद्ध करोति क्वारवानां परास करोति आशीर्वाद त्वं अहम ददाति, बस दो श्लोक होने चाहिए थे है ना। यहाँ कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो साले साहब हैं और जो अर्जुन है वो जीजा जी हैं, वही सुभद्रा कौन है? सुभद्रा जी भगवान कृष्ण की बहन है, उनसे विवाह होता है अर्जुन का, तो अर्जुन कौन हो गए? जीजा जी, साले साहब हो गए भगवान कृष्ण। तो साले साहब बोले जीजू लड़ लो ना, कम ऑन जीजू प्लीज जीजू, और जीजू बोले क्या साले साहब? तो साले साहब तो जीजू कह रहे नहीं साले साहब देखो मैं नहीं लड़ने वाला, तो कम ऑन जीजू प्लीज जीजू कम ऑन साले क्या जीजू अरे साले। तो गीता बस यही होनी थी जीजू और साले की बातचीत, पर ऐसा है क्या? नहीं। तो भगवद्गीता जो है वास्तव में जो लास्ट आता है एस फॉर स्वॉर्ड इन स्वॉर्ड आउट। तो हालांकि वैसे गीता जो सुनाई जा रही है अर्जुन को बाहर की युद्ध लड़ने के लिए है, लेकिन गीता हमारे लिए है हमारे अंदर का युद्ध लड़ने के लिए। भगवान ने गीता जो है क्यों सुनाई अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पे? भाई द्वारका में बुलाते कमरे में सोफे के ऊपर बैठते कहते आओ अर्जुन गीता सुनो, रुक्मिणी रुअफजा लेकर के आना, और क्या लोगे और क्या पसंद तुमको? चिप्स पसंद है? आलू के चिप्स पसंद है? कहते आलू के चिप्स हो जाए रुअफजा हो जाए, चलो गीता अब सुनाता हूँ तुमको मैं, ठीक है तुम सवाल मुझसे पूछो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तो ऐसा भी तो कर सकते थे ना, द्वारका में सोफे बैठते रूअफजा पीते मैंगो शेक पीते साथ में अंकल चिप्स होते आलू के चिप्स होते कुछ बढ़िया बढ़िया खाते पीते, मतलब हाँ अरे लोग शर्माओ नहीं यार अपना घर समझो ना सत्य भाबा तो ओले करके आ जरा, क्या पसंद आपको खिचड़ी पसंद है? खिचड़ी और दही बहुत बड़े होते हैं इस कौन की वो दिखने आते हैं आपके। लेकिन भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कुरुक्षेत्र की भूमि में सुनाई, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कुरुक्षेत्र जो है बाहर नहीं है, हमारा कुरुक्षेत्र अंदर है। यस, अक्सर देखिए हम ना बाहर की लड़ाइयाँ जीतना चाहते हैं बहस करके बातचीत करके कि मैं हरा के रहूँगा इतना हरा के रहूँगी, तो हम बाहर की लड़ाइयाँ जीतना चाहते हैं लेकिन अपने अंदर की लड़ाई हार जाते हैं, डिप्रेशन से हार जाते हैं, अपनी बुरी आदतों के आगे हार जाते हैं, अपने बुरे संस्कारों से आगे हार जाते हैं, अपने आलस के आगे हार जाते हैं, अपने काम वासनाओं के आगे हार जाते हैं। हम अंदर की लड़ाई हार जाते हैं, बाहर की लड़ाइयाँ जीते रहते हैं बहस करके चीख चिल्ला करके, लेकिन असल में बाहर की लड़ाइयाँ भले ही हार जाएं लेकिन अंदर की लड़ाई वो जीतनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कम्स प्राइवेट विक्ट्री देन कम्स पब्लिक ग्लोरी। पब्लिक ग्लोरी सबको चाहिए, प्राइवेट विक्ट्री किसी को नहीं चाहिए। प्राइवेट विक्ट्री का मतलब जब मैं अकेले में हूँ तो अपने आप से युद्ध लड़ना, अपने अंदर की जो का जो कालापन है का जो तमस है हमारे अंदर का उससे लड़ना, इससे जीतना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सोर्ड इन सोर्ड आउट का मतलब है जीनियस में एस का मतलब, यानी कि बाहर की लड़ाइयाँ भले ही हम जीते या हारे लेकिन हमें अंदर की लड़ाइयाँ वो जीतनी हैं। एंड दोज हु हैव प्राइवेट विक्ट्री दे डिजर्व पब्लिक ग्लोरी। यश किसको मिलना चाहिए? यश उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसकी प्राइवेट विक्ट्री है, यानी कि उसका जो है अपनी इंद्रियों पर वश है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में पब्लिक ग्लोरी को डिजर्व करता है। तो एस फॉर स्वॉर्ड इन
स्पोर्ट आउट। अरे कुछ बोलते हैं तो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट लेटर, जब भगवान गीता में बारे बोल रहे हैं फाइट, ओ अर्जुना फाइट, आलस को त्यागो और लड़ो, स्वामित्व की भावना को त्यागो और लड़ो। कह लो जी भगवान ही बोल रहे हैं लड़ो लड़ो लड़ो, ये तो हिंसा के लिए प्रभु कर रहे हैं भगवान। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, तो भगवान तो उल्टा धर्म पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। हिंसा, हिंसा करनी होती है, हिंसा करनी चाहिए, किसके प्रति? बाहर के लोगों के प्रति, अपने अंदर के प्रति, अपने अंदर के प्रति। तो इसीलिए स्वॉर्ड यानी अपने आप से लड़ना बहुत जरूरी है। हम सबको भगवान ने कुरुक्षेत्र भूमि दी हमारे अंदर की, हमारे अहंकार से लड़ना, हमारे आलस से लड़ना, इसे लड़ना चाहिए हम लोगों को। इनफैक्ट जो वर्ड जिहाद है, जिहाद का मतलब यही होता है अपने अंदर की लड़ाई लड़ना, अपने काम क्रोध लोभ इत्यादि से लड़ना, ये वास्तव जिहाद है। जो कम समझदार लोग होते हैं अंदर की जिहाद छोड़ देते हैं, बाहर जिहाद चालू कर देते हैं वो लोग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में यही कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर की लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई जो है ज़्यादा वाइटल है। बड़े बड़े लोग बाहर जीत लेते हैं कई लड़ाइयाँ, लेकिन अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीत पाते। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया में आए थे, भारत में आए थे जब, वो तो एक संत कबीर थे, वो बैठे हुए थे, नहीं संत कबीर नहीं थे, संत थे, वृंदावन में थे, बैठे हुए थे और पेड़ के नीचे बैठ करके माला जप रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अलेक्जेंडर जब आया मथुरा में, तो उसने कहा ये कौन है ये जो है संत जो है बैठा पेड़ के नीचे? कहते हैं हाँ लग रहा है खोया खोया सा है। कहते हैं इससे कहो, इसको बताओ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आए हैं और इसको अपना जो कुछ भी कर रहा है ये, इसको छोड़ करके इससे मुझे सम्मान देना चाहिए क्योंकि मैं विश्व विजेता हूँ। दूसरा मंत्री उतर गया, कहते हैं भाई साहब हाँ खोलिए, देखिए आपके सामने कौन खड़े हैं। कहते कौन खड़ा है भाई? कहते ये अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, आपके सामने विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट खड़े हैं। कहते अच्छा ये विश्व विजेता है ना? ये नहीं है। कहते अरे भाई यही है, ये देखो इनका आधार कार्ड, इसमें लिखा हुआ है विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहते ना ना ये गलत आधार कार्ड बन गया इसका, ये विश्व विजेता नहीं है। ये देख करके अलेक्जेंडर द ग्रेट को उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसने जो है तलवार निकाली अपनी और तलवार जो है उस संत के गले में लगा दी। कहता है सम्मान दे रहा है या तेरा गला उड़ा दूं मैं अभी। तो संत ने कहा तूने जो है विश्व को पता नहीं जीता हो या ना जीता हो, अपने क्रोध को तू जीत नहीं पाया, इसलिए तू विश्व विजेता होगा, तू दुनिया का राजा होगा, लेकिन तेरे ऊपर एक और राजा है, तेरा क्रोध तेरा अहंकार, तो इसलिए दुनिया का राजा नहीं फिर अहंकार माना जाएगा, तू तो फिर भी राजा नहीं हुआ कि तू अहंकार गुलाम है ना तू, तो गुलामों के आगे हम क्या उनको नमन करें। ये सुन के अलेक्जेंडर ने कहा वाकई में यार मैं भले विश्व विजेता हूँ लेकिन मैं अहंकार को जीत नहीं पाया, मैं क्रोध को नहीं जीत पाया। तो बाहर की लड़ाइयाँ जीतना आसान है, अलेक्जेंडर ने बाहर की लड़ाई जीत ली लेकिन अपने अंदर की लड़ाई हारा हुआ था। तो भगवद गीता हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने अंदर की जो लड़ाई है उसको जीतें, अपने अहंकार से लड़ना, विनीत भाव को लेकर के आना, जैसे यहाँ श्रवण करना, ये वास्तव में अपने अंदर की लड़ाई को जीतने की तैयारी है। जब कभी हम हरि कथाएं बैठते हैं, हरि कथा मतलब कि लड़ने की तैयारी करना। तो इसीलिए भगवद गीता के बारे में सुनना और भगवद गीता दोनों पढ़ना ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। तब जो है इस जीनियस इसको हम जी पाएंगे। जीनियस को एक बार फिर से रिवाइज करें, जी फॉर ग्लोरियस कॉन्टेंट, ई फॉर एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सारे शास्त्रों का सार है ये, एन फॉर नो नेगेटिविटी नो पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी को जानिए नेगेटिविटी को ना कहिए, आई फॉर आइडेंटिटी क्राइसिस क्रश्ड, यानी कि हम कौन है ये बताती है हमको भगवद गीता, यू फॉर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सबके ऊपर लागू होती है श्रीमद भगवद गीता। भगवद गीता के अंदर शब्द हिंदू इस्तेमाल ही नहीं हुआ, भगवान बोल रहे हो हे अर्जुन क्योंकि तुम हिंदू हो इसलिए तुमको गीता सुना रहा हूं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सो कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि आत्मा ना तो हिंदू है ना मुसलमान ना क्रिश्चियन ना बूढ़ी ना जवान, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जैसे कई लोग गीता इसलिए पढ़ते, कहते हैं देखिए एक बार बच्चे ब्याह लें जब रिटायर हो जाएंगे तो गीता खोलेंगे, एक बार रिटायर हो जाए तब गीता खोलते हैं। अच्छा बूढ़ों के पढ़ेंगे गीता? कहते हैं हाँ और क्या, बूढ़ों के तो पढ़ते हैं गीता। अच्छा अर्जुन जवान, बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण जवान, बोलने वाला जवान, सुनने वाला जवान, लेकिन पढ़ने वाले बूढ़ों, क्यों कहाँ का लॉजिक होगी? तो ऐसा नहीं कि जब इसको बुढ़ापे में ही पढ़ना है, एक बार रिटायरमेंट हो जाए फिर पढ़ेंगे इसको, या मुझे लगता है ये गेरवे कपड़े पहनने वाले होते हैं ये पढ़ेंगे इसको, जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं इनको प्रवचन देने होते हैं, इनको माला वाला पहनाई जाती है, आइए आइए महाराज जी प्रभु जी आइए, इन लोगों के लिए होगी गीता ना,
हम तो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थों के लिए थोड़ी ना भगवद गीता भैया, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी बीवी बच्चे घर गृहस्थी हमारी, हम कहाँ गीता पढ़ेंगे जी। अच्छा अर्जुन कौन थे फिर? गृहस्थ हैं, चार पत्नियां उनकी, सुपर डुपर गृहस्थ आदमी। भगवान एक पत्नी वाला गृहस्थ नहीं चुना, चार पत्नी वाला गृहस्थ चुना, कि भाई सुपर डुपर गृहस्थ है, इससे ज्यादा बिजी हो गया तुम तो। इसीलिए गृहस्थ भी पढ़ सकते हैं इसको, जवान ही पढ़ सकते हैं इसको, बूढ़े ही पढ़ सकते हैं इसको, इंडियन ही पढ़ सकते हैं इसको, फॉरनर ही पढ़ सकते हैं इसको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, सबके लिए श्रीमद् भगवद्गीता वास्तव में। कुछ लोग गीता ऐसे नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि देखिए गीता पढ़ें घर में लड़ाइयाँ होंगी, महाभारत का ऐसा है ना, ये घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी हमारे, महाभारत लड़ाई हुई थी भाइयों के बीच में, हम दोनों भाइयों में जो है पहले से बहुत लड़ाइयाँ हो रखी हैं, गीता पढ़ेंगे फिर तो हम सर काट देंगे दूसरे का, तो गीता नहीं पढ़े हम। तो दुनिया में जितने लोग लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं, ये लोग गीता पढ़ रहे हैं क्या? इंडिया पाकिस्तान ने गीता पढ़ ली थी, इसलिए लड़ लिया आपस में, पहले बहुत भाईचारा था इन लोगों के अंदर, हिंदी चीनी जो है आपस में लड़ रहे हैं इसलिए ना, गीता नहीं पढ़ रहे इसलिए लड़ रहे हैं वास्तव में। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता, एंड एज फॉर स्वॉर्ड इन स्वॉर्ड आउट, तो वास्तव में गीता बोली अर्जुन के लिए कि बाहर की लड़ाई जीत ले, लेकिन हमारे लिए वास्तव में भगवद गीता है ताकि हम अंदर की लड़ाई जीत लें। ठीक है जी, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी को प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं गीता का, भगवद गीता में से सब ने पढ़ ली भगवद गीता? कितने अध्याय हैं इसमें? 18। कितने श्लोक हैं इसमें? 750। किसने बोला 700? कभी खोली किताब? 700, वेरी गुड, 700 ही है, ठीक है, वेरी गुड, नाइस। अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कितने श्लोक बोले हैं कौन बताएगा? 700 में से भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? 574। अर्जुन ने कितने बोले हैं? 84। धृतराष्ट्र ने कितने बोले हैं? धृतराष्ट्र सबको याद है, पहले श्लोक के बाद रिटायरमेंट ले ली थी, कहते बस होगी गीता। संजय ने कितने बोले हैं? 46। तो इस तरह से जो है 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, इसमें भगवान कृष्ण कितने बोले? 570। हाँ यस, वेरी गुड, ऑल राइट। अभी सवाल है किसी का या मैं सवाल पूछूं? हाँ विवेक पूछ। यस, ओके, किसी को भगवद गीता देते हैं तो भगवद गीता तो किसी गाइडेंस में पढ़नी चाहिए, तो वो बोले मेरे पास तो कोई गाइडेंस नहीं है। तो देखिए भगवान, अब कलयुग की बहुत दया हम लोगों के ऊपर कि कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं अब, ठीक है ना। सो वन कैन आस्क क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, आप भगवद गीता पढ़िए व्हाट्सएप पे, जो भी आपके सवाल हो मुझे व्हाट्सएप करिए, हाँ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों के डाउट्स को दूर कर सकते हैं क्या? और कोई सवाल किसी का? यस, कोई प्रश्न है गीता में से किसी का? नाइस। अब कितने लोग विक्रम सारा भाई का नाम सुना है? विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा भाई इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। तो जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थे तो वहां पर एक व्यक्ति आया, साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट था तो आया, और नास्तिक था वो, तो वहां पर जब आया तो उसने वहां पर देखा कि विक्रम सारा भाई बैठ करके भगवद गीता पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, ये वैसे ये जॉब एप्लीकेशन जो है कहाँ पर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कहाँ देनी है? तो उन्होंने कहा वेल मुझको इस बारे में पता नहीं है, पर आप किसी को, यहाँ से कोई जा रहा हो मैं पूछ के बता दूंगा। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, तो आया उसने ना विक्रम सारा भाई को, उसने गुड उसने विश किया अच्छे से, उनको रिस्पेक्ट दी, सर सर आप यहाँ बैठे हो सर। तो ये जो नया साइंटिस्ट आया था उसने कहा आप इस बूढ़े आदमी कितनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये कौन है? कहता भाई ये विक्रम सारा भाई है। तो ओह विक्रम सारा भाई, सर आप यहाँ बैठे हो और आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं आप? कहता हाँ मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। लेकिन सर आप तो साइंटिस्ट हैं और आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं? कहता हाँ भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, क्यों? कहते लेकिन सर साइंस साइंस होती है सर, और आप साइंटिस्ट व्यक्ति वाला ये भगवद गीता कैसे पढ़ सकता है? तो विक्रम सारा भाई ने कहा कि संसार के ये जो तत्व हैं भौतिक तत्व, इनको जान, इनको भी अगर अच्छे से समझना है ना अगर, तो
तो हमको भगवद्गीता की शरण में जाना चाहिए। और विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई इसलिए है क्योंकि वो भगवद्गीता का शिष्य है। आई एम अ डिसाइपल ऑफ श्रीमद् भगवद्गीता। किसे बोला ये? विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, ही वॉज अ वन। इसी प्रकार से वह एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन जानता है? द फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम जर्मनी। अच्छा, आज साइंटिस्ट वाला साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक हुआ एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, जब मैं भगवद्गीता पढ़ता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला ये, जब मैं भगवद्गीता पढ़ता हूँ तो संसार में हमने जितनी भी थ्योरी निकाली हुई है ना, ये सारी की सारी हमको बकवास लगती है। और मन करता है कि जो भगवद्गीता का जो वचन है बस इसको स्वीकार कर लूं मैं। बस तो ये किसने बोला है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऐसा। और साथ ही श्रीमद् मध्वाचार्य हैं, मध्वाचार्य ने भी ये कहा कि जिस तरह से सारे दूध का सार होता है मलाई, उस तरह से सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवद्गीता। ओके, सवाल है किसी का अभी कुछ? यस, अर्जुन ने जितने सवाल पूछे आपको नहीं भी सवाल, एक विवेक ने सवाल पूछ लिया, जनहित में जारी। हाँ यस, जय द्वारको प्रभु भी जनहित में जारी वाला सवाल पूछने वाले हैं। जैसे हमारी ये हमेशा ये लोगों के दिमाग माइक 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 कोई जैसे और नहीं है, तो जैसे लोगों के दिमाग में जनरली ये कंसेप्शन होता है, तो इसको आप प्लीज दूर कीजिए, कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि ये जो भगवद्गीता है या आध्यात्मिक पुस्तकें हैं या आध्यात्मिक ज्ञान है तो बूढ़े लोगों के लेने की चीज है, ये अभी जवान में ये तो अभी पढ़ने लिखने की। ये बताया अभी हमने, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो बोलने वाला जवान, सुनने वाला जवान, लेकिन लोग पढ़ते कब इसको? मोतियाबिंद वाली आंखों से पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको, बुढ़ापे में पढ़ना चाहते हैं इसको भगवद्गीता को। और बुढ़ापे में जो लोग पहुँच करके गीता खोलते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता, उनको कहते क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, जो श्लोक होते हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, उसके अंदर ये है वो है, ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग वो योग, कहता भाई हमने जिंदगी भर भोग किया है, अब योग का समझ में आना हमको। इसको बंद कर दो इस माइक को ना, ज्यादा होगा इसको बंद कर दो। ओके गुड, इवन देन, बट एनीवेज, तो इसीलिए जो है जो बुढ़ापे में सोचेंगे कि हम गीता खोलेंगे, उनको गीता को समझ में नहीं आ रही, उसको तो ये बस थोड़ा प्रसाद पा लें और थोड़ा धूप में बैठ करके संतरे खा लें, इससे ज़्यादा बुजुर्ग आदमी कुछ कर नहीं पाता। तो इसीलिए गीता पढ़नी है तो जवानी पढ़नी है, बुढ़ापे में शुरू करने की बात नहीं। हालांकि गीता इतनी महान है कि अगर वो बुढ़ापे में शुरू करे तो भी कल्याण होगा उसका, लेकिन अभी जो जवान है वो ये सोचे कि बुढ़ापे में ही पढ़ेंगे तो लल्लू लाल आदमी हो। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है और उनका ये तो बड़ी गलती हो गई भी, हमसे जवानी में हमने पढ़ी नहीं, अब जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवद्गीता पढ़े और गीता की क्लासेज ज्वाइन करें तो वो भी गीता समझ लेंगे। लेकिन ये प्लान नहीं बनाना चाहिए कि हम बुढ़ापे में ही शुरू करेंगे इसको, ना 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 ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। यस, बाद में किताब नहीं खुलती जी, जितना आप लेट करते रहोगे ना किताब खोलने में, उतना किताब खोलने में दिक्कत जाएगी आपको, किताब नहीं खुलने वाली। तो इसलिए भगवद्गीता हमको पढ़नी भी है और बांटनी भी है, इसको बांटना भी चाहिए हमको, मिठाई खानी भी है और मिठाई बांटनी भी है। हालांकि कभी कभी ना थोड़े भक्त लोग उदास हो जाते हैं, कोई गीता नहीं ली तो हमने किसी को गीता ले लेंगे, जो गीता लेंगे आप यहाँ से धंधा बना कर रखा तुम लोगों ने, गीता गीता बेच रहे तुम लोग, तो भक्त जो है दुखी होता है, अरे यार देखो अपमान हो गया हमारा, बेइज्जती हो जाती है ऐसे गीता बांटते हैं ना लोग, ऐसे अपमान कर देते हैं हमारा, तो भक्त जो है फिर दुखी हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं 100 लोगों से मिला, 5 लोगों ने भगवद्गीता ली, तो स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 5% 5% हुआ, जो एक्चुअली वो लेना इनकी कैलकुलेशन बढ़ाने पीछे होती है। तो अगर 100 लोगों से मिले तो 5 लोगों ने गीता ली तो कितना हुआ स्ट्राइक रेट? 5% हुआ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अंबुजा सीमेंट की कोई दीवार बना दे, तो इस एरिया के जितने पहलवान लोगों को बुलाया जाए कि कोई दीवार गिरा के दिखाए, तो पहलवान आया दीवार गिरी? नहीं गिरी। एक और आया पहलवान, नहीं गिरी। 20 पहलवान आया, नहीं गिरी। बाद में जो है हमारे ऐसा कोई एक कांगड़ी पहलवान आया, उसने हाथ लगाया, दीवार गिर गई। तो दीवार एक्चुअली किसने गिराई?
पहलवानों ने गिराई दीवार तो पहलवान उन्होंने मार मार के दरार मार दी। हर बार पहलवान आता दरार मारता था, दरार मार मार के हो गई, कांगड़ी पहलवान ने हाथ लगाया दीवार गिर गई। राइट, ऐसे हम जो भगवदगीता देने के लिए जाते हैं किसी को कि आप भगवदगीता लेंगे, पता है धंधा बना कर तुम लोगों ने इस कौन वाले विदेश पैसा भेजते तुम लोग, दरार तो पड़ गई। फिर एक और भक्त मिल गया उनसे, कहते लीजिए आप भगवदगीता लेंगे, अरे नहीं चाहिए भैया तंग कर खा लोगों ने, दूसरी दरार। फिर तीसरा भक्त आया, कहते आज ही भगवदगीता लेंगे हमारे दिसंबर को, अरे भाई नहीं चाहिए, तीसरी दरार। चौथा भक्त पहुंची, कहते जी आप भगवदगीता लेंगे, माफ करो जी जाओ यहाँ से, चौथी दरार। पांचवा भक्त पहुंचे कि जी आप भगवदगीता लेंगे जी, कहते लाओ यार कितने की भाई, दीवार गिर गई। लेकिन दीवार एक्चुअली किसने गिराई, पहले के चार पहलवानों ने जिन्होंने दरार मारी थी। तो अगर आप कभी भगवदगीता दें किसी को और मना कर दें जाओ यहाँ से, तो उस वक्त ये सोचना कि अभी जो मैंने इसको गीता देने की कोशिश की ये सेवा की है मैंने उस भक्त की जो कि आगे जाके दीवार गिराएगा। और कभी अगर आपसे वो गीता ले ले तो उन सारे पहलवान भक्तों को धन्यवाद देना जिन्होंने दरार मारी थी, हमने तो दरार आप दीवार गिराई है, हमने कांगड़ी पहलवाना काम किया है। तो इसलिए उन सारे भक्तों को धन्यवाद जिन्होंने की इस दीवार में दरार मारी थी। तो इसीलिए स्ट्राइक रेट कितना होगा अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप दरार मारते हैं या दीवार गिराते हैं, यहाँ दरार मारेंगे या दीवार गिराएंगे, तो स्ट्राइक रेट कितना हो गया 100%। राजेंद्र रू कितना होगा स्ट्राइक रेट है धक तेरे की 100%, क्योंकि यहाँ तो मैं दीवार गिराता हूँ यहाँ दरार डालता हूँ। तो इसलिए गीता लेकर के हमें लोगों के पास जाना चाहिए, को मना भी करे तो दरार मार दी, ले ली तो धन्यवाद उन भक्तों जिन्होंने दरार मारी थी पहले इसके पहले। तो इस तरह से हमको गीता बांटनी भी चाहिए, व्हेन यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा, जब कृष्ण को बांटते हैं तो आपको कृष्ण मिलते हैं। तो बांटना चाहिए हमें कृष्ण के संदेश को, कृष्ण का ये लव लेटर है, बांटिए लव लेटर को संसार के अंदर। ये सब जीवात्माएं भगवान की जो है प्रियतम है, ये भटक रही है बेचारी संसार के अंदर, इनको हमें लव लेटर देना है भगवान श्री कृष्ण का भगवदगीता के रूप में। ठीक है जी, कोई सवाल है किसी का, किसी का कोई सवाल है, एक कोई सवाल है दो, हाँ यस प्रोग्राम मध्य कृष्ण को भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मन परित्यजमान एकम शरणं प्रपद्ये, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के शरण में आ जाए तभी भगवान की कृपा करेंगे, ऐसे। अच्छा, तो भगवान गीता बोले सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरणं प्रपद्ये, मतलब सब प्रकार के धर्मों छोड़ दो तो मतलब घर बार छोड़ के आना ही होगा, इसमें ऐसे होगा तभी फिर उसको कृपा मिलेगी, घर बार छोड़ना पड़ेगा, पति पत्नी छोड़ने पड़ेंगे, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, गेरा कपड़ा लेना पड़ेगा तभी फिर कृपा करेंगे ठाकुर जी, नहीं ऐसा नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज का मतलब क्या है, बलदेव विद्याभूषण बड़ा सुंदर बताते हैं, उन्हें कहा है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये है इसका वास्तविक सार। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको अपनाना, भले ही आपको अच्छा ना लगे लेकिन फिर भी अपनाना, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है आपको भले ही बहुत पसंद हो लेकिन फिर भी त्यागना, इसको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। जैसे कि सुबह उठना पसंद है, बिल्कुल अच्छा रहता है यार, सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, रजाइयाँ हैं ये गजके ये रबड़ियाँ क्यों उठे हम सुबह, अच्छा लेकिन सुबह उठना भक्ति के लिए अनुकूल है, ठीक है कल से उठेंगे। तो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना भले आपको पसंद ना हो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्यागना भले आपको बहुत पसंद हो, जैसे पिक्चरें देखना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, मूवीज देखना, पॉपकॉर्न खाना पसंद है, बहुत पसंद है जी, बहुत अच्छा लगता है, कहते लेकिन भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ठीक है फिर छोड़ दिया, इसको बोलते हैं सर धर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। एकादशी व्रत रखना पसंद है, कहते व्रत आ गया, अरे यार ये 15 दिन में एकादशी क्यों आती, अरे भाई कल एकादशी क्या, अच्छा एकादशी भक्ति के लिए अनुकूल है, चलो ठीक है फिर रख लेंगे, फिर क्या करेंगे। अच्छा भगवदगीता जो है पढ़ना अच्छा लगता है, कहता है अरे भाई किताब कौन खोलेगा अब, ये बहुत मोटी किताब है, तो एक ही है नहीं ऐसी 18 और है, तो वो क्या बात कर रहे हैं, हाँ उसका 9 और है तेरी, ये तो यार दबा देंगे इस्कॉन वाले हमको किताबों के नीचे। ओहो अच्छा ग्रंथ पढ़ना अनुकूल है भक्ति के लिए, कहते हैं हाँ अनुकूल है, कहते हैं अरे
चलो ठीक है पढ़ेंगे फिर, पढ़ेंगे जी। तो इसलिए भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, भले आपको पसंद ना हो, और जो प्रतिकूल है जो बहुत पसंद हो उसको त्याग देना, इसको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है, ऐसा नहीं घर बार छोड़ो, घर बार चलो हरिद्वार, दैट इज द वे ऑफ सर्वधर्म परित्यज्य। तब तो बीवी घर में रोना रही हो, कहते रो तेरी तो सर्वधर्मान परित्यज्य। नहीं, इसका वो तात्पर्य नहीं है। तो भक्ति का जो है, भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को अपनाना और प्रतिकूल चीजों को त्यागना, ये है इसका वास्तविक आश्रय। ठीक है जी। और वैसे क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम क्षणम व्रज। व्रज का मतलब वृंदावन, व्रज की ओर बढ़ना, उसको ही बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भैया मैं ना, हमें और किसी तीर्थ से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो एक ही तीर्थ रह गया, व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, पर कहाँ पर, इन व्रज। व्रज में जो है श्याम सुंदर कृष्ण को समर्पित हो जाए हम, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसलिए जो कुछ जो भक्त बुजुर्ग हो गए हैं, अब प्रचार के लिए उन्होंने जीवन पूरा जीवन दे दिया, अब जीवन के अंत में जो है व्रज में जाएं भजन करें, ये भी मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्रज में जाएं, ठीक है जी, ये भी इसका मतलब है। हाँ यस विकास प्रभु, जिसे आप बोले कि दुनिया का सबसे नंबर वन बाइबल है, बाइबल है यस। तो जिसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, एक धार्मिक नेता, उसके बावजूद भी हमारे देश में भगवद गीता को राष्ट्रीय। अच्छा, जो हमारे जो राष्ट्र नेता है, वैसे तो अब तो बीजेपी सरकार में, तो राष्ट्रीय बुक के तौर पर भगवदगीता क्यों नहीं डिक्लेयर हो जाती, बुक ऑफ द नेशन श्रीमद भगवदगीता। वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो है लल्लू लाल है। 2014 में सुषमा स्वराज ने ये प्रपोजल दिया था भगवदगीता को बना दिया जाए बुक ऑफ द नेशन, क्योंकि सुषमा स्वराज जो है शी वॉज वेरी गुड डिवोटी, इवन नरेंद्र मोदी जी को विश करती थी मोदी जी हरे कृष्णा, और क्योंकि मोदी जी गुजरात से बोलते जय श्री कृष्णा, तो ये बोलती थी हरे कृष्णा, मोदी जी सुषमा स्वराज को बोलते थे जय श्री कृष्णा। ये मोदी जी ने खुद बताया, सुषमा स्वराज जी के जो तिरुभाव हुआ था तो तब उन्होंने बताया। तो उस वक्त सुषमा स्वराज ने 2014 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, उसी वक्त ये अध्यादेश प्रपोजल में दिया था कि भगवदगीता शुड बिकम द बुक ऑफ नेशन। तो बड़े वाद विवाद हो गए, नहीं नहीं हम तो सेक्युलर हैं, फला ढिमका ये वो। तो फिर बात यह आई, चलो ऐसा करते हैं वोट करा लेते हैं, अगर 65% वोट अगर आ गए, यानी कि 2/3 अगर वोट आ जाते हैं कि भगवदगीता शुड बिकम द बुक ऑफ नेशन, तो ये बात डिक्लेयर हो जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, विश दुनिया चाहती है, भारतवर्ष के सब लोग चाहते हैं, तो इसलिए भगवदगीता जो है बुक ऑफ द नेशन डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन हमारे लल्लू लाल हिंदू भाइयों ने सिर्फ 43% वोट दिया, जिसकी वजह से भगवदगीता बुक ऑफ द नेशन नहीं बन पाई। सेक्युलर 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 के नाम पे जो है हमारी भगवदगीता ही आगे नहीं आ पाई। कह रहे देखिए जी हम वी आर सेक्युलर कंट्री, क्या होता है सेक्युलर का मतलब, तो सेक्युलर के नाम पे हमने कर दिया नो रिलीजन। हालांकि सेक्युलर का मतलब होना चाहिए इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सब धर्मों के लिए समान सम्मान। तो इसीलिए फिर दोबारा प्रपोजल आ ही नहीं पाया कि भाई हमारे हिंदू भाई लोग ही सोए हुए हैं, 65% वोट नहीं ले पाई बेचारी भगवदगीता भारत के अंदर, इसलिए नहीं तो 2014 में ही भगवदगीता बुक ऑफ द नेशन हो जाती। फिर आप जहाँ भी लेकर जाने जाते भगवदगीता को लेकर जाते, उसमें कोर्सेज कराते, कुछ भी कर सकते थे हम लोग, पर भारतीयों ने नहीं जब दिया वोट, क्योंकि लल्लू लाल लोग हैं लोग, तो दे आर लॉस्ट इन यूट्यूब ट्विटर फेसबुक, किया ही नहीं, इसलिए 43% वोट मिले सिर्फ। कितने के पास तो सर्वे गया, लोगों ने सर्वे अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसमें एक ये भी थी कि भाई नीदर, मतलब ना यस ना नो, कितने लोगों ने वो भी ऑप्ट कर लिया, ऐसे गधे लोग भी हैं, क्या करें। तो इसलिए एनीवेज धीरे धीरे करके वेव बनेगी, तो होता है कुछ साल बाद फिर से बात आए भगवदगीता टू बिकम बुक ऑफ नेशन, तब हम मार्केटिंग करेंगे खूब इसकी हैवी ड्यूटी, तब कराएंगे फिर 65% होपफुली इन द फ्यूचर। सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता, हमारे ऊपर भी होता है, हमको भी कुछ करना होगा ना, गवर्नमेंट सब कुछ थोड़े करेगी, हमें भी करना है कुछ। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का। भगवदगीता और भागवतम में अंतर समझना चाहते हैं,
भगवद गीता जो है महाभारत का हिस्सा है, उसका भीष्म पर्व में ये 18 अध्याय आते हैं, वह भगवद गीता जो कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोली थी। जो श्रीमद् भागवतम है वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी आज से 5000 साल पहले, इसमें 18000 श्लोक हैं। तो भगवद गीता है वो है ग्रेजुएशन और भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जहाँ भगवद गीता ख़त्म होती है वहाँ से भागवतम शुरू होता है, ऐसा है। तो गीता क्या है? ग्रेजुएशन। भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा है। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? किसी माता जी को कोई सवाल है? माताओं को कोई प्रश्न नहीं रहता, माताएं कहती हैं हम देखिए हमें कृष्ण प्रेम मिल चुका है, हमें क्या सवाल पूछने हैं। क्या है किसी मैया कोई सवाल? नहीं, माताओं कोई सवाल ही नहीं। जय माता दी, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो प्लीज़ भगवद गीता पढ़िए भी और साथ ही इसका दिव्य ज्ञान बांटिए भी।